हाँ भाई स्टार्ट करें। तो लास्ट टाइम आवाज़ नहीं, लास्ट टाइम हमने चार्ज थ्योरी पढ़ लिया था है ना, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने थे कुछ है ना, जो इसमें दिए हुए मैंने बोला अभी था घर से ट्राई करना। तो वो न्यूमेरिकल्स देख लो एक बार, और फिर आज ना सेकंड टाइप के कूलम्स लॉ के क्वेश्चन शुरू करेंगे अगर टाइम बचता है तो। तो इसमें एक पहला तो मैंने करा दिया कि न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करती है ना चार्ज बॉडी। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे इसमें अगला एग्जांपल टू है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी बॉडी क्या होगी, ठीक है। मतलब एक कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, और चलो पूरे में ही पॉजिटिव है, कहीं भी लिख दो ऐसे। तो वैसे अगर कंडक्टर होता है ना, बाद में सिखाऊंगा, सारा चार्ज बाहर आ जाता है। चलो ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी बॉडी क्या हो सकती है, बी की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो हमारा जो आंसर दिया उसमें थोड़ा सा चेंज भी होगा। सर नेगेटिव तो हो ही सकता है भाई, अगर ये पॉजिटिव बॉडी है तो ये नेगेटिव होगी, अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो 100% ही नेगेटिव तो हो सकती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूट्रल भी हो सकती है, हम देख चुके हैं, है ना, नॉर्मल बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, तो ये भी हम देख चुके हैं। क्या ये पॉजिटिव भी हो सकती है? क्या पॉजिटिव बॉडी भी एक दूसरी पॉजिटिव बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? अगर सुनो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें, ये रेयर केस है वैसे। अगर मान लो ये वाला चार्ज है 1000 कूलम और ये वाला चार्ज है से फॉर एग्जांपल 0.0001 कूलम, है पॉजिटिव, बस इतना सा है थोड़ा सा, तो इसके कंपैरिजन में ये चार्ज ऑलमोस्ट कितना है, नेग्लिजिबल। ये तो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए जो नहीं होती कई बार नोट्स में ना, ये इसके कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल। अगर इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है तो फिर तो ये इसे न्यूट्रल ही मानेगा, और न्यूट्रल मानेगा तो इसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अगर न्यूट्रल मानेगा तो इसको अट्रैक्ट कर सकता है, इसका मतलब बी कैन बी पॉजिटिव, बी कैन बी न्यूट्रल, और बी कैन बी नेगेटिव, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो सेकेंड बॉडी कुछ भी हो सकती है, बट पॉजिटिव तब होगी जब ए का चार्ज वेरी लार्ज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी। मतलब ये रेयर केस हो गया, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप ये मत देना। अगर वो बोल रहा है स्पेशली कि ए का चार्ज बहुत ज़्यादा है, ए इज हाईली पॉजिटिव, तब करना है इन कंपैरिजन टू बी। लिखो जरा, इन कंपैरिजन टू बी तब करना है ऐसा, वरना नहीं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ए का चार्ज बहुत ज़्यादा है तब, तो अदरवाइज तो ठीक है, अदरवाइज तो न्यूट्रल और नेगेटिव हो सकती है ना, बोलो। और अगर पॉजिटिव है तो फिर आपका, अगर पॉजिटिव है तो बेसिकली तभी होगा ऐसा आंसर, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को अट्रैक्ट कभी करेगा जब आपका बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, जब बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जब वेरी लार्ज चार्ज होगा। तो ये एक्स्ट्रा अपने नोट्स में आप लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जांपल 3, क्योंकि मुझे कराना ही है, वैसे भी हमेशा ही कराते हैं क्वेश्चन, आंसर मत देखो, हो सकता है आप लोगों ने घर पर ट्राई भी ना कराओ, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। एग्जांपल 3 पढ़ो, मैं करा रहा हूँ फिर एक मिनट में, आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो एक बार, मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, जल्दी करो इसको, ये फटाफट ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक पर चलेंगे। थोड़ा वैक्टर्स बताऊँगा आज आपको, और फिर वैक्टर वाले टाइप 2 वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे।
तो मैं करा रहा हूँ ना सी वाला क्वेश्चन, एक बार देखेंगे कि सी वाला कैसे करना है। इसमें कह रहा है पांच बॉल्स है ए बी सी डी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड ऑन द बॉल्स एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आवाज नहीं है ना, और बॉल ए रिपेल्स सी। एक मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाने जा रहा हूँ, पहले वो लिख लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। हमने देखा अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता, अट्रैक्शन से सामने वाली बॉडी का चार्ज के बारे में पता नहीं चलता। तो अट्रैक्शन एक की क्वेश्चन भी बन सकता है, अट्रैक्शन जो होगा वो हमें सामने वाली बॉडी के बारे में कुछ बता नहीं रहा है ना। तो अट्रैक्शन बेसिकली हमें कांट गिव अस द आइडिया ऑफ द चार्ज, आइडिया ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। अट्रैक्शन हमें चार्ज नहीं बता सकता किसी बॉडी पर, तो फिर कौन बता सकता है? रिपल्शन, ये गारंटी है। रिपल्शन इज द रियल टेस्ट, इज द रियल, अगर आपको चार्ज पता लगाना है तो रिपल्शन देखो इज द रियल टेस्ट फॉर चार्ज ऑन द बॉडी। फॉर फाइंडिंग चार्ज ऑन द बॉडी, फाइंडिंग टाइप ऑफ चार्ज लिख दे बल्कि, फॉर फाइंडिंग टाइप ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। तो अट्रैक्शन हमें ये आइडिया नहीं दे सकता कि सामने वाली बॉडी कैसी है। हमने देख लिया वो नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, और नेगेटिव और न्यूट्रल ही मेन है, वो तो बाय चांस पॉजिटिव भी हो सकती है। कोई अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ ले तो अगर एक दूसरी हाईली चार्ज है तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है, लेकिन रिपल्शन हमारा रियल टेस्ट है। मतलब दो बॉडी अगर रिपेल कर रही हैं, दो बॉडी अगर क्या कर रही हैं रिपेल, तो फिर गारंटी है, तो गारंटी है कि पॉजिटिव, अगर दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ये गारंटी है। ये है एक क्वेश्चन आ जाता है, रिपल्शन इज द रियल टेस्ट ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलोगे हाँ है ना। बोर्ड्स की भी तो बोर्ड्स में भी तो आपको एसर्शन रीजन आने लगे, अब बोर्ड्स का पैटर्न अब सब नया पता है, ऑब्जेक्टिव भी है, एसर्शन रीजंस भी हैं, सब्जेक्टिव्स भी हैं, सब कुछ है बोर्ड्स में है ना, तो सब कुछ आना चाहिए आपको थ्योरेटिकल। तो बोर्ड्स में एसर्शन रीजन में आ सकता है कि रिपल्शन इज द रियल टेस्ट फॉर द चार्ज ऑन द बॉडी, हाँ तो एसर्शन करेक्ट है, फिर रीजन लिखा होगा, बिकॉज अगर पॉजिटिव है तो सामने वाला पॉजिटिव होगा पक्का, अगर नेगेटिव है तो सामने वाला नेगेटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है वाला गेम, ठीक है, तो सामने वाला क्या होगा नेगेटिव होगा, ये तय है। तो अब आप इस बेसिस पे कर सकते हो है ना, और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर सामने वाला या तो मान लो पॉजिटिव है तो सामने वाला नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। जैसे बॉल ए रिपेल सी, बॉल ए रिपेल सी, तो इससे क्या पता लगा ए और सी सेम चार्ज है। अब हम एग्जांपल टू कर रहे हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो साइड से शेयर कर लो अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो इसको ले लेना बस है ना। हमेशा जो भी आपको डीपीपीज या नोट्स कुछ भी मिलता है वो लेके आना है, सारे लाना हो तो सारे ले आओ या जो चल रहा हो एटलीस्ट वो तो लाना ही है, और साथ के साथ कवर करते चलो, देखना आपका कैसे लेवल बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल टू में बॉल ए रिपेल सी, तो बॉल ए सी को रिपेल कर रही है, तो क्या पता चल रहा है कि ए और सी, ए एंड सी या तो दोनों पॉजिटिव हैं या ए एंड सी दोनों नेगेटिव हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, बस इतना पता लगा है, ये नहीं पता लगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ये नहीं पता लगा कि हाँ कंफर्म कि दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद आता है सी ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट बी, ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, चलो वो देख लेंगे अभी, अभी छोड़ देते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। ए अगर बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, तो ए अगर बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो ए, चलो ए कुछ भी रहा होगा, ए कैन बी पॉजिटिव ए कैन बी नेगेटिव है ना, ठीक है, मान लो ए को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो सी भी पॉजिटिव होगा, ये तय है, और ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो बी तो अभी कुछ भी हो सकता है,
पॉजिटिव हुआ तो बी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हुआ तो बी पॉजिटिव हो जाएगा, बी न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। ठीक है, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, मतलब बॉल डी बी को तो अट्रैक्ट कर रहा है और ई पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और ए नेगेटिव चार्ज बॉडी रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड वाले को उठा लेते हैं पहले। अब देखो थर्ड पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड पे लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। ए नेगेटिव चार्ज रॉड, नेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट कर रही है, ए एंड ई, और ए के बारे में आपको पता है कि ए सी को रिपेल कर रहा है। अगर कोई रिपेल करता है, ए सी को रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब ए पे डेफिनेटली चार्ज है। रिपल्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ चार्ज, मतलब फिर तो चार्ज होता ही है। अट्रैक्शन में हमें नहीं पता, सामने न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ए सी को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ए और सी दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। इतना तो क्लियर हो गया। अब एक नेगेटिव चार्ज रॉड ए को अट्रैक्ट कर रही है, और ए या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बताओ ए क्या है, पॉजिटिव। अब सबको पता लग गया ये पॉजिटिव, ए का तो फिक्स हो गया, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और एक नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपको सोचना होगा। ठीक है, इसका मतलब ए क्या है, पॉजिटिव। अब आपको काफी कुछ पता लग गया, ए पॉजिटिव आ गया तो सी भी क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और सी अट्रैक्ट ए, मतलब ए और सी दोनों ही, ए रिपेल सी एंड ए अट्रैक्ट बी, ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी क्या हो सकता है, बी अभी फिलहाल देखते हैं, बी हो सकता है नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव मत करना, वो तो रेयर केस है, वो तो मैंने ऐसे ही बताया है ना। तो बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे सब लोग, ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ए अट्रैक्ट बी, तो इसका मतलब बी क्या होगा, नेगेटिव या न्यूट्रल। चलो, लेकिन बी बॉल डी जो है वो अट्रैक्ट बी, ठीक है, एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, मतलब एक बॉल डी है जिसका ई पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्या लगता है आपको, ऐसा कब हो सकता है, अगर एक बॉल का दूसरी बॉल पे कोई इफेक्ट नहीं है। देखो, अगर दोनों, ये पॉजिटिव होता और ये न्यूट्रल होता तो भी इसे खींच लेता, ये नेगेटिव होता तो भी इसे खींच लेता, ये पॉजिटिव होता तो रिपेल करता, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर एक का दूसरे पे इफेक्ट नहीं है तो दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल। तो जब भी इफेक्ट नहीं आएगा तो दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल। अब डी न्यूट्रल है, ई न्यूट्रल है, यही बोल रहा ना, डी का कोई इफेक्ट नहीं है ई पर, एंड हैज नो, डी अट्रैक्ट बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, और डी बी को अट्रैक्ट कर रहा है, डी बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी न्यूट्रल नहीं हो सकता, बी पक्का क्या होगा, नेगेटिव। तो आपके सारे आंसर्स आ गए, ए और सी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, डी और ई न्यूट्रल है। दो बातें बड़ी श्योर है, एक बात तो ये कि अगर एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर इफेक्ट नहीं है, एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं है तो वो न्यूट्रल होती हैं, और अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बार और समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी से देखो, ए हमें सबसे पहले क्या मिला, ए रिपेल सी, इट मींस ए इज पॉजिटिव और सी इज पॉजिटिव, ए इज नेगेटिव सी इज नेगेटिव, खत्म। हमें अभी कुछ नहीं बताया, या तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट जैसी हमने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी, नेगेटिव रॉड अट्रैक्ट से, इट मींस ए इज पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव तो सी भी पॉजिटिव, ए अट्रैक्ट बी, तो इसका मतलब बी नेगेटिव या न्यूट्रल। ठीक है, डी हैज नो इफेक्ट ऑन ई, बोथ दोनों न्यूट्रल, और डी इसको अट्रैक्ट कर रहा है ए को बी को, तो इसका मतलब बी पक्का नेगेटिव हो, क्योंकि अदरवाइज तो फिर नो इफेक्ट आता, तो इसका मतलब बी न्यूट्रल नहीं हो सकता। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे दे रखे। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप देखोगे, ए पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और डी और ई दोनों ही न्यूट्रल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, और एक भी अगर एक भी ढंग से कर लो तो वो क्लियर हो जाता है कंसेप्ट।
चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, ये तो आपको पता ही है ना, मास कंजर्वेशन नहीं होता, चलो ये पता है। डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन, ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है, मैंने डाल दिए है ना, तो वो भी हमें पता है। और ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, मैंने बता दिया था है ना, रटना है याद करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट, अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ग्लास रॉड पर किसी भी चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। तो ये थोड़ा याद करने वाली थ्योरी थी पूरी है ना, और इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, हम आगे बढ़ते हैं आज है ना। अब ये थ्योरी वाला पार्ट, चार्ज थ्योरी कंप्लीट हो गया, ये पढ़ना था हमें सबसे स्टार्टिंग में, लेकिन हमने पहले कूलम्स लॉ पढ़ा, थोड़ा आइडिया लग गया, अब वापस कूलम्स लॉ पर आते हैं। तो ये आसान लगा हुआ आपको, ठीक है, तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक मेजर क्वेश्चन ही वाला आ सकता है, ये मैं अभी आपको ना कुछ, वैसे तो आपके पास अब बुक्स मैंने बता दी हैं आपको, तो उनसे और कर सकते हो इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं है, हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आते क्वेश्चन, ये हो जाते। और मैं कुछ क्वेश्चन और भी दूंगा अभी आगे की डीपीपीज में, पिछले डीपीपीज के पिछले टॉपिक से क्वेश्चन डालता रहूँगा, चिंता मत करो, वो आगे रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो वो आगे हम डालते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब लिख लो हेडिंग टाइप टू, कूलम्स लॉ पर आ गए वापस, और मैं थोड़ा सा वेक्टर पढ़ाऊंगा, और आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे जो 11th में आपको परेशान करती होगी है ना। अब थोड़ी सी हमें 11th की जरूरत पड़ेगी, और सब लोग बहुत ध्यान देंगे, अब सब लोग सेटल हो चुके हैं, धीरे धीरे चीज़ें इलेक्ट्रोस्टेट्स आ गया, क्या है थोड़ा बहुत ये पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, ये सब थोड़ा इसमें यूज़ होगा, ठीक है। और इसकी डीपीपी भी आपको आज मिल जाएगी, बट जितना हम पढ़ पाएंगे देखते हैं, आप उसी हिसाब से क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अभी डीपीपी तैयार है, बस मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो पहले मैं थोड़ा सा वेक्टर बता देता हूँ, मुझे ज़्यादा, मैं उतना ही बताऊंगा जितनी रिक्वायरमेंट होगी, धीरे धीरे ले जाऊंगा आपको आगे। अभी मुझे वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताना है। A7 क्वेश्चन था, A7 पिछली डीपीपी में मैंने छोड़ने को बोला था, वो भी आएगा, बट मैं बहुत ही स्मार्टली पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमें जो 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 रिक्वायरमेंट है बस। आज तो हम ये सीख रहे हैं कि इतना सब जानते हैं कि आप दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हो, मुझे बताओ, आज सीख लेना अच्छे से। मान लो आपके पास दो वेक्टर है, इसका ए वेक्टर एक और एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मॉड मान लो बी है, ऐसे लिख देते हैं, आप बी का मॉड भी लगा सकते हो, और ए वेक्टर का मॉड ए है, मॉड समझते हो, मॉड मतलब उसकी लेंथ। अच्छा, वेक्टर की एक थोड़ी बहुत छोटी छोटी खासियत जो मुझे पता है जो काम आएंगी, तो ये बड़ा फायदा होगा कि मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा आपको काम की चीज़। कई बार हम बहुत पूरा पढ़ते हैं, उतनी रिक्वायरमेंट भी होती है भाई, मैथ्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये तो मैथ्स है। वेक्टर को आप ऐसे खिसका सकते हो, मतलब ये वेक्टर ना आप ऐसे ले जा सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, लेकिन ऐसे घुमा नहीं सकते है ना, ठीक है। अब ये मॉड है, तो आप इन दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हो, मान लो इनके बीच एंगल अल्फा है, सबसे पहला काम ऐड कैसे करते हैं दो वेक्टर्स को, बोलो, सबको पता होना चाहिए, मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, वो रिजल्टेंट होगा ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए का मॉड बी का मॉड कॉस अल्फा। ज़्यादातर हम दो वेक्टर ऐसे ही ऐड करेंगे है ना, 99% क्वेश्चंस में या 90% क्वेश्चंस में हम दो वेक्टर ऐसे ही ऐड करेंगे, क्या और कोई तरीका है? ये सीखना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत काम की चीज़ है। अब फिर तीन वेक्टर पर आएंगे, अभी दो की बात कर रहा हूँ, फिर तीन पर आएंगे, तीन चार पाँच छः जितने भी होंगे वो आगे, बोलो। पैरेललोग्राम लॉ इसका डेरिवेशन है, तो वो नई चीज़ नहीं बोली आपने। ट्राइंगल लॉ इसका डेरिवेशन है, वो भी नई चीज़ नहीं बोली आपने। बोलो बोलो ऐसे, अबे अबे नहीं, एक 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 इंसान बोलो, हाँ बताओ, कौन बोलना चाहता है बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ, एक और तरीका है, हर बार हर वेक्टर को आप रिजॉल्व कर सकते हो जो आपको टेढ़ा लग रहा है, एक को सीधा मान सकते हो और दूसरे को टेढ़ा, ये नई चीज़ है कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों के लिए नई चीज़ है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है,
और खासकर ये तीन वेक्टर ऐड करने में बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ए को रिजॉल्व कर सकते हैं, इतना सब जानते से ए है। मैं ए को यहाँ किस कर रहा हूँ ऐसी दिखाने के लिए आपको, तो ए का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, इतना सब जानते हैं, थीटा के साथ वाला कॉस अल्फा, थीटा के साथ वाला, और जो थीटा के साथ नहीं होता, जो अल्फा के साथ नहीं होता वो साइन होता है, ठीक है। एक कॉस हो गया, एक साइन हो गया, एक कॉस अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया, साइन अल्फा, क्लियर। अब एक्चुअल में ये एक एक कॉस अल्फा इधर आया है, एक कॉस अल्फा इधर आ गया और ए साइन अल्फा इधर आ गया, ठीक है, आवाज नहीं भाई बिल्कुल। और ये बी के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ए कॉस अल्फा इसके साथ चला गया, बी के साथ जुड़ जाएगा। अभी भी मैंने आपको ना एक चीज नहीं बताई, क्योंकि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक नहीं बताऊंगा कि इसका ये वाला एंगल कितना होता है, बाद में देखेंगे अभी, है ना, अभी अभी जब जरूरत पड़ेगी तब। फिलहाल तो अभी हम ना क्या सीखना चाह रहे हैं कि सर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, दो का और तीन का भी देख लेंगे अभी साथ के साथ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ए कॉस अल्फा प्लस बी का मॉड और ए साइन अल्फा, तो अब ये वेक्टर बस इतना बचा और इतना बचा, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ए क्या हो गया, टूट गया दो पार्ट्स में, तो ए को आप भूल सकते हो चाहो तो, ए टूट चुका है, जो थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं लिख लें, फर्स्ट मेथड तो डायरेक्ट हो गया और ये ब्रेक हो चुका है दो पार्ट्स में। अब ए नहीं रहा, ध्यान रहे ए वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे मेथड से ऐड कर रहे हैं। इतना भी हम जानते हैं कि सर ये वाला डायरेक्शन जो होता है, और कल को ये वाला डायरेक्शन टेढ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन को हम, अगर एक को हम आई मान रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, जे, अगर परपेंडिकुलर है तो, हमने परपेंडिकुलरली ब्रेक करा है तो, और तीसरा अगर कोई होगा तो के हो जाएगा, तो इसके आगे हम आई लिख सकते हैं और इसके आगे जे। तो एक्चुअल में आपका वेक्टर ये बन गया, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में आया है, ये मॉड आया था वेक्टर फॉर्म, अब आई है ए कॉस अल्फा, मैं ए का मॉड ए लिख रहा हूँ खाली, प्लस बी आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, ए कॉस अल्फा प्लस बी आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में भी आ जाता है। इसका ये फायदा है, अगर कोई आपसे कहे कि दो वेक्टर को जोड़ो, बताओ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, दो वेक्टर को जोड़ो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो इससे क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, नहीं, इससे मिल जाता है ए कॉस अल्फा प्लस बी, और इससे मिल जाता है, इससे वर्टिकल मिल गया ए साइन अल्फा, तो इसका ये बेनिफिट भी है, ठीक है। अब इसका मॉड ये आप याद रखना है आपको, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं वो बिल्कुल वैसे ही ऐड होंगे जैसे दो परपेंडिकुलर वेक्टर ऐड होते हैं, मतलब दो बेसिकली आप दो परपेंडिकुलर चीज को जब ऐड करते हो तो क्या करते हो, ए का और बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड लिखते हो ना, बस रूट लेते हो मतलब, सॉरी, तो इसका रूट ले लो, तो मुझे बताओ जरा क्या आ रहा है, इसका जो आई कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जरा इसे ओपन करो और देखो क्या आ रहा है, ऑब्वियसली वही आएगा, एक बार ओपन करो, तो ए कॉस अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो और देखो क्या आ रहा है, एसी बंद, वही आ जाएगा दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओपन अपने आप करोगे, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यही आएगा, चेक करो, ये आपका काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इसको जब ओपन करोगे आप तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस, आवाज नहीं भाई बिल्कुल भी, टू ए बी कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसका रूट, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब दो वेक्टर सी के दो मेथड हो गए ऐड करने के, एक तो डायरेक्टली हो गया और एक हो गया कि हम उसे कंपोनेंट में ब्रेक करके ऐड कर दें,
तो कंपोनेंट में ब्रेक करके भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जब भी तीन वेक्टर होंगे तो हम कंपोनेंट में ब्रेक करके भी ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे तीन वेक्टर कैसे ऐड करते हैं। दो का तो आ गया, अभी रिजल्टेंट सीखा है, ये किधर होगा सर बाद में सोचेंगे, अभी रिजल्टेंट आ गया, हमें बाद में देखेंगे उस चीज़ को। रिजल्टेंट निकालना आ गया, अगर आपके पास ब्रेक करने का ऑप्शन है तो ब्रेक कर दो, नहीं तो ऐसे कर दो। मान लो आपको तीन वेक्टर ऐड करने हैं, सुनो ऐसे हैं, दो मान लो और एक एक इधर है, या फिर इधर ही मान लो, चलो उसको उधर, ये तीन वेक्टर ऐड करने हैं। से फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है एफ, ठीक है, ये भी एफ है और मान लो ये भी एफ है। अब आप ये एंगल 45 दे रखा है, ठीक है, मान लो आपको ये तीन वेक्टर ऐड करने हो तो कैसे करोगे? तीन वेक्टर्स कैसे ऐड करते हैं ये देख लेते हैं। तीन वेक्टर्स हम किस तरह से ऐड करेंगे बताओ एक बार मुझे। एक तरीका तो यही है सर, कंपोनेंट लेके कर दें, और एक तरीका ये भी है कि हम दो का रिजल्टेंट निकाल दें। दो का क्या निकाल दें? रिजल्टेंट, ठीक है। तो एक बार मुझे ट्राई करके बताओ इसको कैसे ऐड करोगे। मैं बंद करा, तो जब भी आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं या तीन वेक्टर ऐड करने हैं, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप दो वेक्टर ऐड कर लो, अगर आसानी से ऐड हो रहे हैं तो, एक ऑप्शन ये है। अब सुनना एक बात, तीन वेक्टर जब भी ऐड करने हैं, तीन तीन से ज़्यादा या तीन जो भी हैं, तो आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो वैक्टर्स को पहले ऐड कर लो, लेकिन उसमें एक शर्त होगी, वो तभी करना है ऐसा अगर उन दो वैक्टर्स का रिजल्टेंट तीसरे के अलॉन्ग आ रहा हो, तो फायदा होगा, वरना आप और परेशान हो जाओगे। तो लिख लो ये बात, आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 11th की, देखो पहले तैयार कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन तो शुरू ही नहीं करें, क्योंकि आपको ये वेक्टर्स ऐड करने में दिक्कत आएगी। तो क्या लिखो एक लाइन, ये और इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, फर्स्ट वी ऐड टू वेक्टर्स यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये लिख लो। फर्स्ट वी ऐड टू वेक्टर्स यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ओनली ओन, इसके आगे लिखो ओनली इफ, लेकिन कभी तभी करेंगे, ओनली इफ द रिजल्टेंट इज अलोंग द लाइन ऑफ द थर्ड वेक्टर, ओनली इफ द रिजल्टेंट इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ द थर्ड वैक्टर। वैसे ज्यादातर ऐसा ही होगा, क्योंकि अदरवाइज फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओनली इफ द रिजल्टेंट इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ थर्ड वैक्टर, ठीक है, तब ऐसा करेंगे, अदरवाइज फिर से नहीं, अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज मतलब अदरवाइज वी विल रिजॉल्व द वैक्टर, ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा है ना, वो सब करेंगे। रिजॉल्व वर्ड लिख दो बस, रिजॉल्व में बता दूंगा क्या होगा। रिजॉल्व यही है जो ये करा था ना, ये ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, इसको रिजॉल्व करना बोलते हैं, फिर ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर दोनों मेथड से करते हैं, हमने दो बातें लिख ली, या तो रिजॉल्व करके करेंगे या पहले दो को ऐड कर लेंगे, और दो को ऐड करने का तीसरे में ऐड करेंगे, पहले दो को कर लेते हैं। इसके अंदर कौन से दो अच्छे लग रहे हैं आपको ऐड करने के लिए, मतलब वन एंड टू, मैं नाम रख देता हूँ, वन टू थ्री, कौन से अच्छे लग रहे हैं? वन एंड टू ऐड कर लेते हैं सर, 90 डिग्री एंगल है, अच्छे से दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं, सिंपल, तो इनको ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू एफ कॉस 90, है ना, ये आ जाएगा, तो सीधा सीधा एफ रूट टू आ गया, तो रिजल्टेंट ही आ गया। अब एक चीज अभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये रिजल्टेंट आता किधर है, मतलब सर रिजल्टेंट जो है वो इधर आता है किधर आता है, ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन ये तो मैं बता ही सकता, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊँगा, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको इलझाऊँ क्यों मैं, क्यों ज़्यादा चीज़ें क्यों पढ़ाऊँ बिना बात, जो ज़रूरत है उतना, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो फिलहाल रिजल्टेंट अगर इक्वल वेक्टर्स हैं, इतना तो कोई भी गैस कर सकता है, रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच में अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो, क्योंकि यही होगा 90% क्वेश्चंस में, तो यही होना है इक्का, वो तो मैथ्स में होगा, मैथ्स को ही पढ़नी है हमें, यहाँ नहीं पढ़नी ना मैथ्स एटलीस्ट। सर ये बात लिख लो आप, इफ टू वेक्टर्स हैज इक्वल मैग्नीट्यूड, ये सब स्टार्स हैं तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ इनसे ही चलती है फिजिक्स,
इफ टू वेक्टर्स हैज इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ टू वेक्टर्स हैज इक्वल मैग्नीट्यूड देन रिजल्टेंट, देन रिजल्टेंट इज अलोंग, देन रिजल्टेंट इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, देन रिजल्टेंट इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। इससे हमारा ये हो गया कि हमारा रिजल्टेंट कहां पर आ रहा है, 45 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर मतलब 45 पर ही आ रहा है, और कितना आ रहा है, एफ रूट टू। अब आपके पास ये दो वेक्टर बचे, और ये वेक्टर नहीं होते, मतलब ये तो एक ही लाइन में होते हैं, फिर इन वेक्टर, इन्हें वेक्टर की तरह देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर वेक्टर्स एक ही लाइन में, यू कैन ऐड देम लाइक एलजेब्रा, सिंपल ऐड कर सकते हो। तो अब आपके पास ये दो है, एफ और एफ रूट टू, एक नीचे है एक ऊपर है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। अब जोड़ दो तीसरे में उसको, क्या आएगा बताओ। सर ये बड़ा है ये छोटा है, तो एफ रूट टू माइनस एफ, ये आंसर है। कितने लोगों का ये आंसर था, ये आंसर था एफ रूट टू माइनस एफ। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, रिजॉल्व वाले से। आया समझ में? वैसे तो काम ऐसे ही चल जाएगा, 90% क्वेश्चन में यही होगा, ठीक है, और नहीं तो हमारा फिर दूसरा मेथड हमारे पास है जब ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम इसी को करते हैं पहले नॉर्मल मेथड से, देखते हैं आंसर वही आता है क्या। आंसर कॉपी कर लो पहले, इस तरह से होंगे तीन वेक्टर ऐड, और तीन से भी ज़्यादा हुए तो वो कुछ ना कुछ आसान देगा, वो बता रहा हूँ अभी कैसा देगा वो, तो वो तरीका बता दूंगा, अभी बताऊँगा। पहले आप अच्छे से कॉपी कर लो और दूसरे मेथड से करते हैं, रब कर दो इसको, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ मैं आराम से, कोई जल्दी नहीं कर रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको समझ में आए हर चीज़, ठीक है। क्लास दोबारा भी मिल रही है, आप दोबारा देख के और समझ सकते हो, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि सर आप इनको आई जे में ब्रेक कर दो, है ना, आई जे में ब्रेक कर दो, मतलब जो टेढ़ा है उसे सीधा कर दो, है ना, जो टेढ़ा है उसे सीधा करो, ठीक है। एक वो भी तो है, ऐड भी तो आता है, जो टेढ़ा है वो मेरा है। हाँ किसका है भाई, वो कह रहा ना कोई मेरा है, चलो जिसका भी है हमें तो सीधा करना है उसको, है ना। इस पर बड़ा गुस्सा आया कहीं लोगों को, एकदम से आंसर दिया, इसका आंसर बहुत जल्दी दिया, चलो इसका भी आंसर दो। अब एफ को क्या करना चाहिए, रिजॉल्व एफ का ये वाला कॉम्पोनेंट कॉस 45, तो कॉस 45 क्या होता है, एफ बाय रूट टू, और ये वाला ये भी एफ बाय रूट टू, एफ साइन 45, एफ कॉस 45, एफ साइन 45। अब इसे भूल जाना, ये नहीं रहा, ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो आप। अब आपके पास जो कंपोनेंट्स रह गए वो आई में रह गए और जे में रह गए, आई में है और जे में है, ठीक है, बहुत क्लियरली समझना है। अब आई में है और जे में, बोलो आई में क्या है, आई में एफ माइनस एफ बाय रूट टू, एफ माइनस एफ बाय रूट टू है हमारे पास आई में, एफ माइनस एफ बाय रूट टू किस में, आई में, और जे में क्या है, F माइनस एफ बाय रूट टू ही J में है। चेक करना एक बार, J में भी इतना है, I में भी इतना है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी कर लोगे आप। ये रिजॉल्व कर लिया आपने, और सबको I और J में ले आए, ठीक है। तो अब आप इसका रिजल्टेंट निकालना जानते हो, बोलो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होता है। तो अंडर रूट ऑफ एफ माइनस एफ बाय रूट टू का स्क्वायर, जरा इसको सॉल्व करना और क्या आ रहा है मुझे बताओ। आप एक काम करना, इसको कॉमन ले लेना और फिर सॉल्व करना, जो नए बच्चे हैं बस वो नंबर लिखना, बाकी नाम खाली। तो रिजल्टेंट बड़ी आसानी से आ जाएगा, एफ माइनस एफ बाय रूट टू कॉमन, है ना, कॉमन आ गया भाई, एफ माइनस एफ बाय रूट टू क्या आ गया, कॉमन, ये जो यहाँ था स्क्वायर था ये कॉमन आ गया, एफ माइनस एफ बाय रूट टू, कोई प्रॉब्लम, स्क्वायर था तो अंदर, यहाँ क्या बचा, वन, यहाँ क्या बचा, वन, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, तो
टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, रूट टू एफ, रूट टू है ना, टू नहीं रूट टू, रूट टू के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बचा, रूट टू एफ माइनस एफ, बोलो भाई अंदर यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस वन रूट टू, रूट टू को अंदर मल्टीप्लाई करा रूट टू एफ, और यहाँ मल्टीप्लाई करा रूट टू से रूट टू, कैंसिल, ठीक है। अब चला दूँ भाई ऐसी, चला दूँ, गर्मी लग रही, हाँ अब चला दूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा ठंडा। तो आंसर आपका आ रहा है वही। तो इस तरह से होते हैं दो तीन वेक्टर ऐड, समझ में आ गया। अभी बात हमेशा याद रखना सर, अगर चार पांच वेक्टर हुए तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं देगा वो। चार पांच में क्या होगा, पहले अगर कॉपी हो गया तो मैं रब करूं, सबका कॉपी हो गया, क्लियर हो गया। और ये बात दिमाग में डल गई, दो वेक्टर कैसे ऐड होंगे, वैसे ज्यादा आसान वही रहेगा, पहले वो दो ऐड कर लो और वो तीसरे में जोड़ दो, बट वो तभी हो पाएगा जब दोनों बराबर हो, मतलब तीसरे के अलोंग आ रहे हो, वैसे ज्यादातर ऐसा ही होगा, लेकिन आपकी टेंशन खत्म है, आप हमेशा रिजॉल्व करके ऐड कर सकते हो ऑलवेज। और आई जे में ले आओ, और जब आई और जे में आ जाए तो रिजल्टेंट होता है इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट, ये रिजल्टेंट होता है। कहाँ होता है रिजल्टेंट मैं बात नहीं कर रहा अभी, अभी नहीं, एकदम से बहुत प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे, है ना, धीरे धीरे, अभी जिसकी जरूरत पड़ेगी उतना, एक जरूरत पड़ेगी हमें ये वाली, ये तो हो गया, रब कर दूं अब तो, एक जरूरत पड़ेगी हमें मान लो चार पांच वेक्टर ऐड करने, तो उनमें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, उनमें ऐसे होंगे वेक्टर्स पक्का, एक पता चला इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे आएंगे, हेक्सागन के क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको, आप अभी डीपीपी मिलेगी उसमें ही देखना। तो उसमें क्या होगा, आप जो ये दो होंगे, मान लो ये 2f है, ये f है, तो इन्हें माइनस कर लेना पहले, तो खाली क्या बचा इधर की तरफ, f ऐसे लिख लेना, ये 3f है, ये 4f है, तो माइनस कर लेना, तो f बच गया। तो अब इससे ऐसे ही यहाँ पे 3f है, ये 5f है, तो यहाँ क्या बच गया, 2f। अब कितने बचे, बस एक 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 ही बचा, एक ही बचा, दो और तीन, ज़्यादातर तीन ही होंगे वो। फिर उन तीनों को जैसे भी आप ऐड करना चाहो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ गया, उसमें इस तीसरे को ऐड कर दो, या उस वाले को रिजॉल्व करके ऐड कर लो, ज़्यादातर वो तीन या दो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। ये ऐसे करने हमें वेक्टर्स ऐड। अब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, वैसे मैं डीपीपी दे रहा हूँ, बट आप अभी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस इसके कर पाओगे, 10 क्वेश्चंस ही होंगे डीपीपी में, 10-11, ठीक है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो, मैं बताऊंगा क्या करना है। पहले मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, और हर जगह एनसीईआरटी हर बुक्स में मिलते हैं, तो पहले वो देखते हैं। रब कर रहा हूं मैं, सबको क्लियर हो गया कि हम कैसे वेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो, ठीक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अभी सारे नहीं कर पाओगे अभी आप, आज जितना भी टाइम है हमारे पास उतना कर लेते हैं, लेकिन कुछ पुराने भी हैं, मैंने जैसा बोला मैं पुराने क्वेश्चन देता रहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं, सिंगल लाइन वाला है, ये चलता रहेगा, लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे और थोड़ी थोड़ी इलेवेंथ भी मिक्स करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में इलेवेंथ मिक्स है, टेंशन वेंशन एक्सेलरेशन ऐसा कुछ डालेंगे, ठीक है, धीरे धीरे मास वगैरह, जब मास आएगा तो समझ लो इलेवेंथ डल रही है, उतना बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओगे आप, और डीपीपी का लेवल, हर तरह की डीपीपीज मिलेंगी, मेंस की, नीट वाली, सब चिंता मत करो वैसे, लेकिन लेवल मैं धीरे धीरे ही बढ़ाऊंगा आपका, और जितना पढ़ाता जाऊं उतना करते जाओ, ये जरूर है। जो डीपीपी मिल गई और उतना पढ़ा दिया गया तो सर उसके क्वेश्चन कर लो फिर 10-10, अगर नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, कल होगा फिर उसका, बहुत मुझे ऐसा लग रहा आज मैं उतना नहीं करा पाऊंगा ना, देखते हैं। चलो आपके पास एक सिंपल सा, अभी तो क्वेश्चन मैं अपने पास से दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, वैसे फिगर नहीं होगी और हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ट्राइंगल है, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उस पर एक क्यू नॉट चार्ज यहाँ रखा है और एक क्यू यहाँ रखा हुआ है, स्मॉल क्यू, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और साइड डी है उसकी, दोनों फोर्स ऑन क्यू नॉट, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फोर्स ऑन क्यू नॉट,
केवल मॉड, फोर्स का मॉड, बल्कि ऐसे लिखा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन क्यू नॉट, और आपने पढ़ लिया अभी, है ना, ये ऑब्वियसली एंगल 90 है, अभी आपने पढ़ लिया। आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन के जल्दी से आंसर करेंगे। अब बिल्कुल ऐसे करा करो, 30 सेकंड्स में सर मुझे ये करना है, 30 सेकंड्स में मुझे नेक्स्ट वाला करना है ना, नेक्स्ट भी दे रहा हूँ। थर्ड वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तो आपको अभी, प्लस क्यू नॉट, बहुत ध्यान से, मैंने माइनस क्यू लिखा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से, बस जहां पर माइनस लिखा है आप समझ जाना अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा इस क्यू नॉट पे बस ये बताओ अब कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये थोड़ा सा हिंट देता हूँ, कौन कौन, ये किधर, किधर लेफ्ट, ये किधर नीचे, कितने वेक्टर, दो वेक्टर, ठीक है दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर हैं तो डायरेक्ट अपना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, दो से ज्यादा होते तो एक अलग बात थी। तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 30 सेकंड्स में, ये प्रेशर था थोड़ा बिल्ड करना शुरू कर दो अपने ऊपर, सर प्रेशर आ गया, जल्दी से 30 सेकंड सॉल्व करने फटाफट जल्दी। और घर पे भी ना एक बच्चे होते हैं ऐसे सुबह बैठे और शाम तक 5 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन करा रहे बहुत थक गए, पानी वानी पी के आते हैं, घूम के आते हैं, वो नहीं, आप जब क्वेश्चन करते हो ना थोड़ा अभी से आदत डालो, टाइमर लगाओ, मुझे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 20 मिनट्स 25 मिनट्स में करने हैं, अभी जल्दी नहीं, और धीरे धीरे उस 5 क्वेश्चन को 5 मिनट में करने की आदत डालो। देखो अपना एक साल अपना दे दो भाई पढ़ाई को, एक साल पढ़ाई को दे दो, पूरी लाइफ सेट है, बस ये साल ढंग से मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, और मुझे जितना परेशान कर सकते हो कर लो, डाउट्स वाउट्स, अभी तो आप शर्मा रहे हो, धीरे धीरे ओपन हो गए, होगा क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुई ना, आप 10th से सीधा 12th में आए हो, 11th पता नहीं चला आपको, है ना, बात ही नहीं हुई टीचर से, तो आपका जो मैं अब चेहरा पढ़ता हूँ ऐसा लगता है 11th के बच्चे का, नहीं तो 12th वाले कहाँ सुनते हैं किसी की, है ना, वो तो खूब डाउट वाउट बहुत डिस्कशन होता है, बट आप विद इन 15-20 दिन में हो जाओगे ऐसे, तो वो हो जाओ जल्दी, हो जाओ जितना जल्दी हो जाओगे उतना हमें फ़ायदा है, जितनी मैं बकवास कर रहा हूँ उतनी बकवास आपको भी करनी है ना, उतना बोलना है मतलब पागल नहीं होना, लेकिन है ना बस क्वेश्चंस अपने डाउट्स अपने क्लियर करने। चलो जल्दी से दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने कर भी लिए होंगे, मैं थर्ड और दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत ईजी है, थर्ड बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, और एग्जाम में फिगर नहीं आती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट फिजिक्स का यही मजा है, हम तो ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑन क्यू नॉट, एग्जाम में फिगर नहीं आती, एग्जाम में आएगा फोर चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड अ फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्जेस, इस वाले पर फोर्स बताओ, चलो मॉड, मैं अभी मॉड पे हूं, मैं डायरेक्शन पूछ ही नहीं रहा हूं। तो ये 3 क्वेश्चन जितना क्विक आप कर सकते हैं, जितना जल्दी, देखो अब ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रही है, अब सुनो, ये क्यू है, ये क्यू नॉट है, ये क्यू इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स को एक नाम दे दो एफ, क्या दिक्कत है तुम्हें, एफ नाम देने में कोई प्रॉब्लम है ना, क्यों लिख रहे हो इतना लंबा के क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, क्यों परेशान हो रहे हो, उसे लिखने की स्पेस भी नहीं है, ठीक है। अब अभी हमने वेक्टर ऐड करना सीखा है, अब हम उसको अप्लाई करेंगे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अभी तो सीखा ऐड करना, लेकिन इस तरह से एफ लिख दो, अब मुझे बताओ ये वाला क्यू इस पर लगाएगा फोर्स डाउनवर्ड, इतना तो पता लग रहा है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी कि अलग, कैसे पता लगा सेम होगी, सर चार्ज सेम है, सर डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, तो एफ लिख दे। तो पहला काम तो ये हो गया, थोड़ा आसान हो गया काम, एफ लिखना है, एफ की वैल्यू बाद में डाल देंगे लास्ट में, अब दो एफ ऐड करने हैं, और मैंने आज स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में दो एफ ऐड करने सिखाए, जो बच्चे एक्सपर्ट हैं वो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आराम से लिख के करो, बताओ दो एफ कैसे ऐड होते हैं, दो वेक्टर ऐड करने हैं, दो से ज्यादा पे तो गए ही नहीं हम, दो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू एफ कॉस 90। जब तक मैं आपके पास मूव नहीं करूंगा, अभी मैं ये बहुत जरूरी होता है, मैं आऊंगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक पता नहीं लगता बच्चा कर क्या रहा है, इंडिविजुअल जो अटेंशन होंगी वो ऐसी जब ही आएगी, ठीक है, और बाकी नहीं तो आप
आपको क्लास के बाद रुकना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी प्रॉब्लम हो रुकना है, ठीक है। और आज की डीपीपी मुझे नहीं लगता ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे क्योंकि टाइम कम ही मिल पाया हमें, बट मैं बताऊँगा क्या करना है। चलो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू एफ कॉस 90, कॉस 90 एक ये भी मेजर प्रॉब्लम रहेगी अब, कॉस 90, कॉस 45, कॉस 30 क्या होता है। एक काम करेंगे सब पढ़ लेंगे एक बार, कॉस साइन याद तो कर ही लेंगे, फिर मैं ये भी सिखाऊंगा, मुझे पता जब ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं, अभी तो याद करते लो। 90 तो सबको याद है, कॉस 90 जीरो। अब क्या आ गया, 2f स्क्वायर, इतना आप जानते हो 2f स्क्वायर मतलब रूट टू एफ आ गया। अब f की वैल्यू डालो भाई, लास्ट में क्यों परेशान हो रहे हो, नहीं तो बिना बात कैलकुलेशन मिस्टेक। f की वैल्यू अब डाल दो और ज़्यादातर आप सभी क्वेश्चंस में इस तरह से कर पाओगे। f की वैल्यू अब देखते हैं क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर, बोलो नहीं बोलो, के क्यू क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर, आवाज़ बंद, के क्यू क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर रूट टू के क्यू क्यू नॉट मतलब सॉरी क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर, ये आंसर था। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कहाँ आएगा किधर आएगा, बस वैल्यू पूछी थी। ज़्यादातर बच्चों ने ठीक भी करा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत घिच पिच से बड़ा करके करा, हमने इतनी छोटी जगह में आराम से हो गया, ये रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, वैसे बीच में आएगा ये, लेकिन बाद में देखेंगे, अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो बीच में, बराबर हैं तो बीच में, बराबर नहीं है तब दिक्कत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें 30 सेकंड्स ही लगेंगी, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना वैसे सोचोगे एफ एफ रिजल्टेंट एफ रूट टू एफ की वैल्यू, ठीक है, दो वेक्टर ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो तीसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको मैंने एक भी नहीं कराया था इसलिए, लेकिन ठीक है आप लोगों ने, अब मुझे पता लगा ये एक हमसे गलती हुई, सबने अपना अपना दिमाग लगाया, किसी ने कैसे करा किसी ने कैसे करा, काफी लोगों ने ठीक भी करा। अब इसको अप्लाई करो, इसमें बताओ ये कितनी फोर्स लाएगा, पहले मतलब कुछ नाम दें इसे, नहीं माइनस नहीं लगाते, मैंने बोला था आपको मॉड लिखते हैं एफ, तो क्या ये भी एफ लगाएगा, बस लेकिन एक प्रॉब्लम है छोटी सी, ये वाला एफ किधर होगा, ये वाला किधर लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल। तो मैं एक मिनट डी को ऐसे हटा रहा हूँ, इसको भी रब कर रहा हूँ, और ये अपनी तरफ अट्रैक्शन बना रहा हूँ एफ, ये वाला। जब तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना है मज़ा नहीं आता, अब तक थ्योरी चल रही थी बट वो भी इंटरेस्टिंग थी, बट न्यूमेरिकल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। अब आपको दो एफ ऐड करने हैं, सर फिर से दो ही वेक्टर ऐड करने हैं, फिर से दो ही वेक्टर ऐड करने हैं, तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला, लेकिन हमें दोनों वेक्टर के बीच एंगल चाहिए होगा। अच्छा एक और बात, क्या दोनों वेक्टर के बीच ये डी 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 था, आवाज बंद, आवाज नहीं, जब मैं समझा रहा हूँ आवाज नहीं, क्या ये एंगल 60 था, तो क्या दो वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा, वेक्टर्स की टेल्स के बीच में एंगल होना चाहिए या हेड्स के बीच में, जिनको नहीं पता ये बात लिख सकते हैं, एंगल मस्ट ऑलवेज बिटवीन द टेल्स और द हेड्स, या तो टेल्स मिली हुई हो या हेड्स। पहली बात तो ये तो इन दोनों के बीच में है, और ये ऐसे कैसे हो सकता है, सर दोनों की टेल मिला दो, ये री टेल, इसकी टेल ये री, इसकी टेल ये री, तो ये होगा इनके बीच एंगल। अब मैं जानता हूँ कुछ बच्चे कॉस 120 नहीं जानते, मैं सिखाऊंगा बाद में कैसे निकालते हैं, फिलहाल याद करा देते हैं, कॉस 120 बहुत कॉमन है, हाँ माइनस हाफ, तो ये याद कर लेते हैं अभी के लिए। मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली अब टाइम नहीं है ना, मैं पढ़ाऊंगा जितने की ज़रूरत है। अब आप इन दोनों का रिजल्ट निकालो, आवाज नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप एफ और एफ का रिजल्टेंट निकालो, एफ और एफ का रिजल्टेंट फिर से निकाल देते हैं, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू एफ कॉस 120 हुआ, ठीक है, तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर टू एफ का स्क्वायर टू एफ स्क्वायर कॉस 120, चेक करो जरा एफ आ रहेगा। अब f की वैल्यू डाल दो लास्ट में, आप भी आराम से रहोगे हम भी आराम से रहेंगे, और माइनस नहीं डालना होता जब मॉड लिखते हैं, माइनस अभी तक हमने कभी यूज नहीं करा, हमने वन लाइन वाले भी तो करे, सिंगल लाइन वाले, जिनकी पिछली क्लासेस छुट्टी हैं, चार क्लासेस चारों डली हुई हैं, या आज पांचवी क्लास है, अभी तक पांच क्लास हुई है, आज फिफ्थ क्लास है, तो जिनकी भी पिछली क्लासेस छुट्टी हुई हैं वो क्या करें, क्या करें, पिछली क्लासेस देख जरूर लें, ठीक है। 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर तो f आ गया,
और f की वैल्यू हमने कभी माइनस नहीं डाला, तो आज भी नहीं डाल रहे, q नॉट बाय d स्क्वायर, ये आंसर हो गया। लास्ट में f की वैल्यू डाल दो, आंसर हो गया k q q नॉट बाय d स्क्वायर। ये आएगा कहाँ सर? शायद इनके बीच में कहीं आएगा, लेकिन अभी मैं सीख ही नहीं रहा है सर, मैं सिखा रहा और ना आप सीखने की अभी ज़रूरत नहीं, बाद में सीखेंगे। अभी तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीख लें, ज़्यादातर वही आता है। लास्ट वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये वाला, ये आप देखोगे एनसीईआरटी में या बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। अब की बार आपको 3 वेक्टर ऐड करने होंगे, और आपने अभी करा भी है, अगर आपने ऊपर वाला कर दिया तो मैं रब कर दूं, yes, sir। ये फिगर तो रब कर सकता हूँ। 120 डिग्री हमने कैसे देखा, वो आपने देख लिया। मैं फिगर दोबारा बना रहा हूँ, बड़ी है ना इसको हटा रहा। कॉस 120 आज के बाद याद रखेंगे माइनस हाफ, क्योंकि बहुत रेगुलरली यूज होने वाला है। दो वेक्टर के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, दो वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ये रब कर रहा हूँ मैं, ऊपर बना रहा हूँ दोबारा। 4 मिनट कुल है, बस इसको ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास एक स्क्वायर था, साइड डी थी, और सारे के सारे चार्ज क्यू थे। अब आप समझ गए आसान तरीका क्या रहेगा, और ज्यादातर ऐसे ही होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है। मान लो 2q हो जाए ना, आवाज बंद भाई, इधर देखो, मान लो 2q हो जाता तो फोर्स हो जाती 2f, वो करेंगे, वो भी करेंगे। अभी आज तो वेक्टर सीखने का दिन है, बस स्टार्ट ही हुआ है, तो मुझे नहीं लगता हम DPP में आज कुछ भी, आप जो करना चाहें कर लें, वरना मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं आज। एक आधा फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एक दो मार्क करा दूंगा, एक दो कर लेना बस, लेकिन घबराना मत, होंगे नहीं, अभी सीख रहे हो आप। Q चार्ज और ये Q चार्ज, ये वाला Q इस पे कितनी लगाएगा, कुछ नाम दे दें, तो अगर इसे F दे दें तो ये वाला, क्योंकि सारी साइड F है, फिर ये वाला किधर, नहीं नहीं यही यही गड़बड़ करते हो ना, नहीं नहीं सुनो सुनो, अब ये F, मुझे नहीं पता F होगा क्या होगा, इसको थोड़ा सोच लेता हूँ मैं, अभी नाम लिख दूंगा इसका। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये वाला शायद सर एफ नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में तो डिस्टेंस डी और डी है, इसमें डिस्टेंस अलग है। हाँ तो एक बार अलग, अब थोड़ा सा अलग से लिख के कर लो भाई, ये वाला एफ क्या होगा, यहाँ पे लिख लो एक बार, ये वाला एफ क्या होगा, के क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर, और ये वाली लंबाई कितनी होगी आज के बाद, स्क्वायर की लंबाई अगर याद भी रखना है डी है तो ये डी रूट टू, और एक और याद कर लो, अगर स्क्वायर से आधे की लंबाई चाहिए इतनी बस सेंटर से, तो डी बाय रूट टू, डी रूट टू का आधा, डी अपॉन रूट टू, ये बातें तो याद रखनी है, डी अपॉन रूट टू। खैर धीरे धीरे सब याद होंगी, ये होगी डी अपॉन रूट टू। ठीक है, तो हमारे पास दो एफ है, ये वाला एफ इधर और ये वाला एफ इधर, और रिजल्टेंट एक एक ये वाला भी है जो ये वाला क्यू इस पे लगा रहा है, ये क्या होगा इसका जरा बताना। ये दोनों तो बराबर होंगे, ये वाला क्या होगा, के क्यू 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 स्क्वायर अपॉन डी रूट टू का स्क्वायर, मतलब 2D स्क्वायर, डी रूट टू का स्क्वायर मतलब 2D स्क्वायर। तो इसे f की टर्म्स में क्या बोल सकता हूँ, f बाय 2। अब आप आ रहे हैं ना आंसर, सब आ रहा है कुछ कॉन्फिडेंस, और आप धीरे धीरे सीख रहे हो चीज़ f बाय 2। बस अब थोड़े शांत जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, हमें 3 वेक्टर ऐड करने हैं, f, f बाय 2 एंड f, 3 वेक्टर ऐड करने हैं, और f की वैल्यू मैं लास्ट में डालने वाला हूँ, अलग बना लेते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और क्या दिमाग में आ रहा है, 3 वेक्टर कैसे ऐड करोगे, पहले दो ऐड कर लेंगे। F एक इधर है, एक F इधर है, और एक F रूट टू इधर है, बाद में बनाते हैं उसको, तो ये दो F ऐड कर लेते हैं। ये दो F अभी थोड़ी देर पहले भी ऐड करें, सबसे पहला क्वेश्चन बोलो क्या आएगा, F रूट टू किधर आएगा, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो बीच में आएगा कितना, F रूट टू कितना आएगा, एफ रूट टू, दोनों बीच में है तो कितना आएगा, एफ रूट टू। और इसमें सर पहले से ही एफ बाई टू पड़ा हुआ है, एक एफ बाई टू और भी तो है, और वो इधर ही आ रहा है, वो इधर ही होगा क्या,
क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल बिल्कुल बीच में होता है, ये लाइन, ये 45 बनाती है ना लाइन, तो बिल्कुल बीच में होगा। अब इन दोनों को, तो फाइनल आंसर होगा f बाई टू प्लस f। आ गया मजा? इस तरह से करना। कितने लोगों ने ठीक करा सच से बताना? काफी लोगों ने पहले ही कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। f की वैल्यू अब डाल देते हैं, f की वैल्यू अब डाल देते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हाफ प्लस रूट टू। तो मुझे फिर भी डीपीपी देख के पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि सारे नहीं हो पाएंगे अभी, क्योंकि मैंने वाली चीज़ नहीं सिखाई, चार पांच वेक्टर एक दूसरे से काटते कैसे हैं। बट आप जैसे फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। एक इसमें फील्ड लिखा हुआ है, सुनो, हाँ, जो बच्चे करना चाह रहे होंगे, आवाज़ बंद, एक मिनट आवाज़ बंद कर लो प्लीज़। जो बच्चे घर पे फिर भी कई लोग चाहते हैं कि हम अपने आप से पढ़ें, ये बड़ा अच्छी बात होती है और होना भी चाहिए। इसमें फील्ड के क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन फोर्स का होता है ना, फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और आपको फील्ड निकालनी हो तो उसमें से एक क्यू हटा देना, मतलब आप जो जिस पे फोर्स निकाल रहे हो ना, मतलब आपको इस चार्ज पे फोर्स निकालनी है, इसकी जगह लिखा है, सुनो, मैं क्योंकि आपको पढ़ाना ही है मुझे फील्ड, और फील्ड के क्वेश्चन है ही, अभी इसमें मुझे बताना भी था लेकिन आज टाइम नहीं मिल पाया, कल पढ़ाऊंगा। तो फील्ड में हम क्या करेंगे, इस चार्ज को वन कूलम मान लेंगे बस, तो अपने आप ही जब वन कूलम होगा एक क्यू हट जाएगा ना। अब बताओ ये क्या लिखी है, फोर्स की फील्ड, ये फील्ड बन जाती है, वन कूलम मान लेना उसे, जो अपने आप करना चाहेंगे। वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई नीड नहीं है, मुझे अभी एक थोड़ा और पढ़ाना पड़ेगा कल आधे घंटे, मैं खुद ही कराऊंगा इसके दो तीन क्वेश्चन, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो।